My dear students, I am your Dharmendra sir from DSL Institute, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi. मेरे प्यारे दोस्त, बहुत दिन से बहुत सारे कमेंट आए हैं. कुछ बच्चों ने कमेंट किया सर लेट का प्रयोग नहीं आता, तो मैं आपको लेट का प्रयोग सिखाता हूँ. बस मेरे को देखो, वॉच करो और लेट का प्रयोग सीखने प्रयास करो, ठीक है बेटा? यूज ऑफ लेट, ठीक है? लेट का जो यूज है, ये बच्चों ने बहुत डिमांड करा है. मैं आपको बोनस में लेट के साथ साथ गिव का यूज भी सिखाता हूँ, ठीक है? पहले जानने का प्रयास करते हैं कि लेट और गिव कैसे होता है. तो ध्यान दें बेटा, जब भी हम लोग प्रयोग करते हैं लेट और गिव का, तो यहाँ पे एक हिंदी में सेंस होता है, हिंदी में एक भाव निकलता है. क्या भाव निकलता है बेटा? दो. दो का मतलब दो नहीं, दो. जैसे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो. ये मैं सिखा रहा हूँ, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपके लिए ट्रेंड एनालिसिस करके भी दे रहा हूं. कब एग्जाम क्या पूछा जाएगा, अभी एसएससी में यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा, लेकिन साथ साथ स्पीकिंग में भी काम आता है. हमने कहा लेट गिव, दो. मुझे जाने दो, एक गिलास पानी दो, मुझे एक किताब दे दो, मुझे सोचने दो यार, वहां जाने दो, राइट? अब ध्यान देना, लेट का प्रयोग तब करना जब वर्ब हो, गिव का प्रयोग तब करना जब नाउन हो. एक एक पार्ट आराम से पहले दिखाता हूं, राइट? तो पहले जाने का प्रयास करते हैं कि लेट और गिव, यहां पे ध्यान दो, इन दोनों के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना. ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना, क्योंकि लेट और गिव के बाद, ध्यान बच्चे, इन दोनों के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होता. यानी लेट और गिव के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, इन दोनों के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग कभी नहीं होता. मेरे साथ काम करना है, इन दोनों के बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आता, हमेशा क्या आता बेटा? ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसको ध्यान रखना. अगला कॉन्सेप्ट देखो, अब हम बात करें लेट और गिव का. तो पहले लेट देखते हैं, फिर गिव दिखाता हूं आपको. यहां पर समझो पहले कि हम लोग सबसे पहले लेट लगाएंगे, एलईटी लेट. लेट के बाद हमने क्या कहा, सब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा. लेट ऑब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं. जितना मन करे लेट से बोलो, लेट मी गो, गो वर्ब है, मुझे जाने दो, लेट मी गो, है ना? अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि लेट राम, समझना आराम से, लेट राम एंड आई सॉल्व, लेट राम एंड आई सॉल्व दीज क्वेश्चन, लेट राम एंड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब बेटा बताओ, सोचो जल्दी से, बोलो मेरे साथ, लेट राम एंड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन. बताओ कहां गलती, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग, लिसन, फिर बोलो. लेट के बाद कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस. बोलो राम क्या है, सब्जेक्ट. बकाई मान लिया, तो राम सब्जेक्ट भी है, लेकिन बेटा राम ऑब्जेक्ट भी है, क्योंकि राम सब्जेक्ट भी, राम ऑब्जेक्ट भी. देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखा हमने राम, तो क्या राम का राम होगा? राम का राम ही होता. हमें लिखा ही, तो ही का हिम, आई का मी, तो आई का मी होता है. ध्यान दो यहां पे, आई का मी होता है, बहुत आराम से. मैं कोई भी चीज पढ़ाता हूं बड़े प्यार से पढ़ाता हूं. हमने कहा राम का राम ही होगा, क्योंकि राम नाउन है. जब किसी का नाम हो तो नाम कभी बदलता नहीं है. ऐसा थोड़े है कि राम को तुम कर दोगे ऑब्जेक्ट तो रामू हो जाएगा, रामू होगा नहीं ना, तो राम का रामू नहीं होगा, तो राम का राम ही रहेगा. ठीक है, समझ पा रहे हो? बिल्कुल आराम से प्यार से पढ़ो, क्लास प्रयोग बढ़िया से. चूंकि देखो सब पढ़ो, राम राम, ही हिम, आई मी, यू यू, सी हर, दे देम, क्लियर? तो यहां पे हमने कहा ये एसएससी का क्वेश्चन है, तो लेट राम, तो राम हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट, क्लियर? तो लेट राम एंड आई, आई क्या है, सब्जेक्ट. होना क्या चाहिए था, ऑब्जेक्ट. तो बोलो गलती है ना, लेट राम एंड मी सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेकिन मैं थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग पढ़ा रहा हूं. तो हमने कहा लेट के बाद हमेशा क्या होता है बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस. लेट मी गो, लेट हिम कम, उन लोगों को आने दो. लेट देम कम, उन लोगों को जाने दो. लेट देम गो, लेट देम गो, उसे सोने दो. लेट हिम स्लीप, मुझे पढ़ने दो. लेट मी रीड, उसे जाने दो. लेट हिम गो, क्लियर? इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं बच्चे, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है. अब हमने कहा कि लेट के बाद हमेशा वर्ब लगाते हैं. जितना मन करे इसको स्पोकन में बोलो, राइटिंग बोलो, कहीं भी कुछ काम करो, कोई दिक्कत नहीं. अब देखो गिव,
गिव के बाद हमेशा क्या आएगा बच्चे, ऑब्जेक्ट। गिव के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आएगा, हमेशा नाउन आएगा। ठीक है, तो गिव ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हमने कहा अपना किताब दे दो, गिव मी योर बुक, गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन। ठीक है, तो गिव मी योर बुक, गिव मी पेन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्लियर, गिव मी योर नोटबुक, गिव मी अ ब्यूटिफुल पेन। क्लियर, तो गिव मतलब देना और लेट मतलब एक्शन जो होता है होने का वर्ब। ठीक है, अब इस तरह से काम करूं। अब एक्चुअली बात मैं करूं लेट की, बात करूं तो लेट मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर बेटा देख लो, ध्यान देना, कहीं भी आपको यह लगता हो कि सीखने में दिक्कत है और आप दिल्ली दूर नहीं रहा, अब दिल्ली बहुत नजदीक हो गया, आप अगर चाहते हो कि धर्मेंद्र सर से पर्सनली क्लास लें तो दिल्ली आ जाओ, दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली मुखर्जी नगर में हूं मैं। और आप नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं शाम को सात बजे स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए 11 तारीख से अगले बुधवार को, तो आप आराम से आ सकते हैं कमिंग वेडनेसडे को। कब, शाम को 7 बजे, टाइम नोट कर लो, आप आ सकते हो डिटेल क्लास करने के लिए। एक बार क्लास बढ़िया से कर लो, लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगा, चाहे ऑनलाइन क्लास करो या फिर ऑफलाइन क्लास करो। ठीक है बेटा, अब देखो लेट का सेकंड यूज, हमने कहा लेट प्लस क्या आता है हमेशा, ऑब्जेक्टिव केस। अब हम बात करें इसका नेगेटिव का, जैसे उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे मत जाने दो, उसे आने दो, उसे मत आने दो, मुझे ग्लास पानी दो, मुझे पानी मत दो। जब नेगेटिव बनाना है तो हम क्या प्रयोग करेंगे, डोंट का। डोंट, लेट, ऑब्जेक्ट, विमेदर वर्ड। हम बात करेंगे डोंट गिव, है ना, ऑब्जेक्ट, नाउन या फिर अदर वर्ड। जैसे हमने कहा डोंट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो, है ना, मैं सोचता हूं, लेट मी थिंक बोलते हैं ना, मुझे सोचने मत दो, डोंट लेट मी थिंक। उसे जाने मत दो, डोंट लेट हिम गो। उसे पढ़ने मत देना, डोंट लेट हिम रीड। उसे आने मत देना, डोंट लेट हिम कम। उन लोगों को जाने मत देना, डोंट लेट हिम गो। क्लियर, मुझे किताब मत दो, डोंट गिव मी अ बुक। उसे उसे कलम मत देना, डोंट गिव हिम अ बुक। डोंट गिव हिम अ पेन, डोंट गिव हिम अ पेंसिल, डोंट गिव हिम मार्कर। जो वट एवर कम्स योर माइंड, स्पोकन करना है स्पोकन करो, राइटिंग करना है राइटिंग करो, अंग्रेजी बोलना है बोलो, कॉमन एरर बनाना है एरर बनाओ। बेसिकली ये इंपरेटिव सेंटेंस होता है। क्लियर, यहां पे हम लोग काम करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का। लेट का अगला यूज देखो, लेट का प्रयोग करते हैं बेटा कहां, प्रपोजल के लिए। प्रपोजल के लिए अगर आप किसी को प्रपोज कर रहे हो, जैसे हमने तुम्हें प्रपोज दिया कि तो ऑफर दिया कि तुम दिल्ली में आकर पढ़ सकते हो, राइट, तो क्या है प्रपोजल है। तो प्रपोजल अगर बात करते हो तो हमेशा लेट के साथ अस का प्रयोग करते हैं, लेट अस प्लस विवरण प्लस अदर वर्ड। ठीक है, लेटेस्ट प्लस विवरण प्लस अदर वर्ड, ये क्या बेटा प्रपोजल है, हमेशा क्या रहेगा अस। यहां पर लेटेस्ट को मिला के हम लोग लेट्स भी बोल सकते हैं। क्लियर, जैसे बोलते हैं चलो घर चला जाए, लेट्स मूव, चलो आज डांस किया जाए, लेट्स डांस, लेटेस्ट डांस, लेट्स डांस, चलो घुमा जाए, लेट्स वॉक, चलो मूवी देखा जाए, लेट्स वॉच मूवी। ठीक है, तो लेट्स, लेटेस्ट, वॉच मूवी। ठीक है, चलो एक साथ मिलके खाते हैं, आओ एक साथ मिलके खाते हैं, लेटेस्ट ईट टुगेदर, आओ एक साथ मिलकर खाते हैं, लेटेस्ट ईट टुगेदर। समझ पा रहे हो, तो किसी चीज के रूट पे काम करना है, फोकस बाजी नहीं, रूट पे काम करना है। और आप सबको मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं, इसलिए थैंक यू बोल रहा हूं कि ऑनलाइन बैच आप लोगों ने फुल कर दिया है, प्रत्येक बैच में 1000 एडमिशन करा के आप लोगों ने मुझ पे विश्वास जगाया है, थैंक यू वेरी मच। बस यहां पे आप फोकस करो। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, लेटेस्ट डांस, लेट्स मूव, लेटेस्ट वॉक, लेटेस्ट गो, तो जहां भी जो बोलना है लेटेस्ट बोलो। अगला ये देखो लेट का, लेट का प्रयोग बेटा हम लोग करते हैं सपोजिशन के लिए। सपोजिशन, सपोजिशन यानी जब कोई चीज तुम मान लेते हो, है ना, तो वहां पे लेट का प्रयोग करते हो। तो लेट के बाद यहां पे क्या होता है ज्यादातर, तो ज्यादातर इट का प्रयोग करते हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट वो लगा देते हैं। तो लेट के बाद बी, चूंकि होने का बोध कराएगा अदर वर्ड, बी तुम्हारा वर्ब का काम कर दिया, ये तुम्हारा है ही ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो यह त्रिभुज है, पेन है, लेकिन मान लो त्रिभुज है, राइट, तो लेट इट बी अ ट्रायंगल, लेट इट बी अ ट्रायंगल, मान लो एक त्रिभुज है। मान लो तुम एक डॉक्टर हो, लेट यू बी अ डॉक्टर।
समझ पा रहे हो? तो हमने कहा मान लो एक त्रिभुज है, मान लिया, तो लेट इट बी अ ट्रायंगल। लेट तुम एक डॉक्टर हो, तुम एक स्टूडेंट हो, तुम एक इंजीनियर हो, तो लेट यू बी एन इंजीनियर, लेट यू बी अ डॉक्टर। तो क्या हुआ? लेट प्लस सपोजिशन। जब हम किसी को मान लेते हैं, मानने के अर्थ में भी हम लेट का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम लोग कोई भी चीज करें, डिटेल करें, ताकि कभी कोई दिक्कत नहीं आए पढ़ने में लिखने में। एक चीज पढ़ें, डिटेल पढ़ें, लेट के साथ गिव का दिखाया, ताकि आप बेहतर इसको स्पीकिंग में प्रयोग कर सकते हो। जैसे हम लोग बेसिक यूज जो करते हैं लेट का, सुन बेटा मैं ज्यादा समय प्रयास कर रहा हूं, तो लेट में फोकस ये करना है कि लेट हमेशा ऑब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करना बेटा, ठीक है? अब कोई भी व्यक्ति होता है, यहां पे हिंदी निकलेगा दो का भी, ते का भी और ता का भी। जैसे मैं सोचता हूं लेट मी थिंक, है ना, मैं देखता हूं, लेट मी सी मैं देखता हूं, ठीक है, लेट मी सी मैं देखता हूं, लेट मी थिंक मैं सोचता हूं। तो जहां भी जैसे भी हो, जितना तुम इस पे काम करो, इस पे आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हो, जितना मन करे उतना। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने आप को अपने बारे में बताता हूं, तो लेट मी टेल यू मैं तुम्हें बताता हूं, लेट मी टेल यू। मैंने क्या कहा? लेट मी, देखो लेट मी हमेशा होना ही है, लेट ऑब्जेक्ट, लेट मी क्या बोला, टेल यू, लेट मी टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं अबाउट माई सेल्फ, तो लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मैं तुम्हें कुछ अपने बारे में बताता हूं। तो जितना मन करे ना बेटा, जितना मन करे उतना बस बोलो। लेट एक मल्टी यूजेज वर्ड है, लेट एक मल्टी यूज वर्ड है। हम लोग जो क्लास करेंगे ना, तो लेट में और भी काम करेंगे। टू लेट कहीं लिखा रहता है, इसका हिंदी पता है क्या होता है? किराए पर देना, एक क्या हो गया, फ्रेज हो गया। तो इस तरह से आप लेट को यूज कर सकते हो, कई तरीके से आप काम कर सकते हो लेट का। और देखो होता क्या है कि लेट के बारे में बहुत सारे बच्चे, मैं एग्जांपल तुम्हें क्या करता हूं, बोलता हूं, इस एग्जांपल को कॉपी कलम लेकर के लिख लेना है। और ध्यान रहे दो बातें, एक बेटा ध्यान रखना कि आप कमेंट करना, अपना नाम लिख देना, जितना ज्यादा कमेंट हो सकता है। दूसरी बात, अगर आप मुझे वाकई चाहते हो कि धर्मेंद्र सर आगे जाएं, तो उसके लिए करना क्या है कि जितने भी वीडियो मैं बनाता हूं सबको व्हाट्सएप निकालो और सब जगह शेयर करो, ठीक है? और शेयर करके के आप इस इंग्लिश को आगे बढ़ाइए, और धर्मेंद्र सर आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, धर्मेंद्र सर आपके लिए काम कर रहे हैं। और मैं, चूंकि आप कभी कभी कुछ कमेंट करते हो कि सर आप बीच में ऐड दे देते हो, बाकी बेटा अब वीडियो आपके साथ साथ दिल्ली के आसपास के बच्चे भी देख रहे हैं, उनको बैच का इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा तो ऑफलाइन पढ़ने कैसे आएंगे? इसलिए दोनों काम करना बेहद जरूरी होता है, ठीक है? तो इसको ध्यान नहीं देना है। अगर आप नजदीक रह रहे हो तो आप आगे क्लास कर लो शाम को 7 बजे 11 तारीख से, अगर आप दूर रह रहे हो तो आप ऑफलाइन क्लास ले सकते हो। अगर आप दोनों में से नहीं ले सकते तो आप यूट्यूब पर पढ़ाई रहा हूं आप वहां देख लो, दोनों तरह से काम कर सकते हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।